हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने टू क्वेश्चंस तक कर लिया था इसमें, ठीक है ना। हमारी एक्सरसाइज है ये 1.4 के टू क्वेश्चंस तक हमने कंप्लीट कर लिया था। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या कह रहा है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ईच ग्रुप्स, यानी कि हमें एक एक ग्रुप दिया हुआ है, इसके अंदर जो भी हमारा क्या है ग्रेटेस्ट नंबर है, इसमें हमें इन नंबर्स में हमें ग्रेटेस्ट नंबर छांटना है। तो देखो ये कितना है 94, ये कितना है 940, ये कितना है 904। तो इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा 94 है और सबसे बड़ा 940 है। तो इस पर क्या कर देंगे? रिंग बना देंगे, ठीक है। क्या कर दिया? रिंग बना दिया। या फिर हम इसको आगे ऐसे भी कर सकते हैं 940, लेकिन हेडिंग डालने के बाद, ठीक है ना। जब तक हेडिंग नहीं डालोगे मुझे कैसा पता चलेगा कि इसमें बच्चे ने क्या किया है? तो हेडिंग डालना, ऊपर हेडिंग डाल करके फिर करना है। उसके बाद चाहे तुम रिंग बना दो और चाहे फिर आगे लिख दो, ये आपकी इच्छा के अनुसार है। नेक्स्ट है 118, 108 और 1108। तो इसमें क्या है? ये फोर डिजिट अपने आप पता चल रहा है 1108। ओके, नेक्स्ट है 4440, 44,440, 44,442। तो देखो फोर डिजिट है, ये तो वैसे कैंसिल हो जाएगी। इसमें से देखना है तो देखो 44,440 और 44,442, तो ये आएगा। देन नेक्स्ट हो जाएगा 10,700, 10,700, 10,717, तो यही आएगा इसमें, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा हमारा क्या? ग्रेटेस्ट नंबर। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है? स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रुप के अंदर क्या देखना है? स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि सबसे छोटा नंबर देखना है। तो 304, तो क्या आ जाएगा? 304। नेक्स्ट है ये थ्री डिजिट है, ये फोर डिजिट है, ये फोर डिजिट है, तो दोनों वैसे कैंसिल हो जाएंगे। क्या आ जाएगा? 936, क्योंकि हमें क्या बताना है? स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। देन नेक्स्ट में टू डिजिट, थ्री डिजिट, फोर डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ये हो गया। अब इसमें सभी क्या है? फोर डिजिट है। तो देखो इसमें देखेंगे 2,186, 2,861, 2,681। तो देखो 800, 600, 100 अपने आप ही पता चल रहा है 100 वाला नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है राइट द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर विदाउट रिपीटिंग ए डिजिट, यानी कि फोर डिजिट के नंबर हमें ग्रेटेस्ट बड़ा नंबर बनाना है और किसी भी एक नंबर को भी रिपीट नहीं करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग फोर डिजिट, जो हमें डिजिट दी हुई है, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाया हुआ है। चार नंबर हमें दिए गए हैं, इसके हमें कंप्लीट नंबर बनाना है, डिजिट दिए हुए हैं नंबर बनाना है, लेकिन किसी भी नंबर को रिपीट नहीं करना है। तो देखो सबसे बड़ा बी के अंदर देखो सबसे बड़ा नंबर देखो पहले क्या है? 7, उसके बाद क्या है? 6, उसके बाद क्या है? 0 और उसके बाद क्या है? 3, बन गए डिजिट, नंबर बन गया। उसी तरीके से देखो नेक्स्ट क्या है? 9, 9 के बाद बड़ा इससे छोटा नंबर 8, 8 के बाद 7 और ये 3 हो गया। देन नेक्स्ट आता है ये देखो, इसमें क्या सबसे बड़ा नंबर देखो क्या है? 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7 और ये 6। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्या? 9, 8, 7, 3, उसके बाद नेक्स्ट आता है 9, 6, 4, ठीक है भाई। हमें चार नंबर्स दिए हुए हैं, उसके हमें फोर डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, यानी कि चारों डिजिट का यूज करना है, किसी भी डिजिट को दोबारा रिपीट नहीं करना है और हमें इसका बड़ा नंबर बनाना है। तो देन बड़ा नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले बड़ा नंबर लिखेंगे, देन उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा नंबर। इसी तरीके से सारे नंबर हमने कर दिए हैं। इसमें ग्रेटेस्ट बताना है, इसमें स्मॉलेस्ट बताना है, इसमें विदाउट रिपीटिंग ए डिजिट यानी एक भी डिजिट को दोबारा रिपीट नहीं करना है और फोर ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर बनाना है। समझ में आ गया? ये 1, 2, 3 ये तीनों क्वेश्चंस जो आपको खुद से करने हैं। ध्यान रखना कि ग्रेटेस्ट बनाना है, किसी भी नंबर को रिपीट नहीं करना है। सबसे पहले बड़ा नंबर लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा, ठीक है।